तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। फॉर्मूला सिंपलाइजेशन मतलब हम अपना जो ए है नेम डिफाइन नेम की मदद से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले जानते हैं डिफाइन नेम क्या होता है। जैसे कोई एरिया है आपके पास, मान लीजिए मुझे उस एरिया से इसी एरिया को ले लेते हैं, मुझे इस एरिया का सम बराबर करना पड़ता। तो इस एरिया को लिया हमने, फॉर्मूला बार में गया, डिफाइन नेम इसका नाम रख दिया टीटी एंड ओके कर दिया। अब मुझे किसी भी सीट पे डीटी को सम करना है तो इक्वल सम और डीटी कर देते हैं और इसको हम कॉल करके सम ले सकते हैं, राइट सर। लेकिन इसका यूज हम फॉर्मूला सिंपलाइजेशन में कैसे करते हैं जरूर बताता हूँ। जैसे क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है हमारे पास। क्वार्टर वन में हमने लिखा 50, क्वार्टर टू में है हमारा 60। मुझे यहाँ पे सम करना है, सॉरी ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ निकालने के लिए हमने आपको बताया था फॉर्मूला, याद होगा कि हमने बोला था ब्रैकेट में लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट था ना हमारा सर। बिल्कुल इसका यूज करके हमने फॉर्मूला निकाला था। पर प्रॉब्लम है कि आप मान लीजिए कि ऐसी बड़ी कैलकुलेशन है, करने में दिक्कत, सबको लगाने में दिक्कत होती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं डिफाइन नेम में। जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा था सेम फॉर्मूले को कॉपी कीजिए और चले जाइए डिफाइन नेम में, और मैं यहाँ पे जी आर दिया और हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद आप कर दीजिए ओके। अब जस्ट यहाँ पे लिखिए इक्वल जी आर, एंटर प्रेस करते हैं, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया सर। सर, एक बार रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। एक जी जरूर। बार मुझे बता दीजिए क्या बताया था आपने डिफाइन नेम थोड़ा जी सा। हम हमने हमने बताया आपको कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं, अभी कैलकुलेशन करते हैं, इस कैलकुलेशन को भी डिफाइन नेम में रखते हैं। इसे हमने फॉर्मूला लगाया, तो मैनुअली फॉर्मूला ना लगा के हमने क्या किया, हमने चले गए फॉर्मूला बार के अंदर, डिफाइन नेम में चले गए, नेम मैनेजर में, और यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए जस्ट यहीं पे जी करना पड़ेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अब मान लीजिए मैंने मेरे पास ऊपर नीचे वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे अगर लगाते हैं जी आर फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ फॉर्मूला लग रहा है उससे पहले के दो रो को पिक करेगा, हमारे हिसाब से एक कैलकुलेशन को नहीं लेगा। ठीक है सर, नहीं ले रहा है ना ठीक सर। है, मतलब अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आया। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने अपना प्रॉब्लम है कैलकुलेशन रखा है वो हमेशा यहां से इसी के बीच में ले रहा है। सेल नंबर जो हमने फॉर्मूला में लिया है वही लेना जी पड़ेगा। हाँ। दूसरा, आप दूसरे सीट के ऊपर इसको यूज नहीं कर सकते कि मैं यहाँ रखता, चलो सेम रख रहा हूँ, मैं इसको यूज कर लूँ, तो दूसरे सीट पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पहले ही सीट का लेगा, इस सीट का नहीं लेगा। ये प्रॉब्लम होती है कि डिफाइन नेम में दी गई कैलकुलेशन एक ही सीट पे वर्क करती है, डिफरेंट सीट पे वर्क नहीं करती है। अब मुझे यहाँ कुछ ऐसा करना है कि जो तो डिफरेंट सीट पे वर्क करे, इस सीट पे नहीं, डिफरेंट सीट पे वर्क, तो कैसे करें। तो देखिए पिछले एक्सेल तक तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, बट अभी हमारे पास सिस्टम आ गई है। एक फॉर्मूला आया है लैम्डा, लैम्डा फॉर्मूला। तो लैम्डा फॉर्मूले में मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ए कॉमा बी, और फॉर्मूला है यहाँ पे कि ए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए माइनस ए बी, सॉरी बी माइनस ए डिवाइड बाई ए। अब बोलेंगे सर ये मैथमेटिक्स लेके क्यों चलेंगे। हाँ होता, बताता हूँ आपको मैं इसके बारे में। और फिर इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में अपना इसको को ले लिया, कॉमा इसको ले लिया, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आ जाएगा। आ गया रिजल्ट सर माइनस में। तो लैम्डा कर कैसे रहा है, देखिए लैम्डा में हमने एज्यूम किया ए हमारा क्वार्टर वन है, बी हमारा क्वार्टर टू है। हमने लिखा, फिर कैलकुलेशन दे दिया कि बी माइनस ए डिवाइड बाई ए, तो ए हो गया एज्यूमिंग, क्या हो गया एज्यूम कर लिया।
फिर हमने ब्रैकेट में लेके हम दो वैल्यू डाल दिए, तो जहाँ ये क्या हुआ, F4 को इसने A मान लिया और F5 की वैल्यू A पे डाल दी, सॉरी F4 की वैल्यू, F5 की वैल्यू B पे डाल दी, समझे सर, और रिजल्ट दे लिया। लेकिन हम इसी को नेम मेथड में यूज कर लेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम इस फॉर्मूला को कॉपी करके डिफाइन यहाँ पे गए जी आर के जगह, जहाँ जी आर था जी आर में, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डाल दिया लैम्डा का और कर दिया हमने क्लोज एंड क्लोज। अब देखिए यहाँ जी आर का फॉर्मूला लगाते ही मुझे ए को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है और सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है बी को। जैसे मैंने ए और बी को सेलेक्ट किया, वी हैव गॉट द कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन मैं किसी भी सीट पे कर सकता हूँ। यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आर, जी आर में बोला है कि आपका क्या है, तो फलाना और फलाना। आ गया रिजल्ट सर, समझे? जी लैम्डा फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं सर? दीजिए सर इसको इसको बता दो, लेकिन सिंपल सी बात लैंडा समझिए, को। सिंपल सी बात समझिए। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, पता आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ। आपको याद होगा हमने आपको एमआरपी का फॉर्मूला बताया था, एमआरपी, एमआरपी मैंने यहाँ पे 50 रखा था। तो हमने बोला था कि इसका जो है एमआरपी निकालने के लिए, जैसे मैंने किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है 50 है, तो इसकी एमआरपी कितनी होगी। हमने बताया था कि 50 मल्टीप्लाई बाई 5%, और हमने अब 50 में ऐड कर दिया, मतलब ये हो गया मैन्युफैक्चरर जो है बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को इस रेट पे। डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद का 10% का कमीशन रखता है, अपने खरीद में ऐड करता है और दे देता है किसको, होलसेलर को। होलसेलर अपने खरीद का 10% लेता है, 15%, 15% अपने खरीद में ऐड करता है, दे देता है रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, अपने खरीद का 20% लेता है और ऐड करके दे देता है किसको, कंज्यूमर को। तो हमने कॉपी पेस्ट करके याद होगा एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बना दिया, बनाया था ना सर। अब इसका यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं, कैसे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इतना लंबा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसके लिए हमने मर्जिंग मेथड का इसका इस्तेमाल किया था, हम डिफाइन नेम में गए थे, डिफाइन नेम में हमने लिखा था कि मैन्युफैक्चरर कॉस्ट MC, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल B7 का 5%। ठीक है, एंटर प्रेस किया, फिर वापस एक और डिफाइन लिया। अब इस बार जो है हम यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं MC का 10%, और यहाँ पे हम लिख देते हैं DC, डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट। फिर एक बार और डिफाइन नेम करते हैं, और यहाँ पे SC, होलसेलर कॉस्ट निकालेंगे। होलसेल कॉस्ट के लिखेंगे कि DC का 15% एंड ओके कर दीजिए। एक बार और यहाँ पे फाइनली DC के बाद आता है RC, रिटेल प्राइस, RC मैन्युफैक्चर हो गया ना, सॉरी ये तो MRP हो गया, MRP लिख देते हैं इसका नाम, और यहाँ करते हैं इक्वल HC+ ब्रैकेट में SC का 20%, और यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मुझे लगाना है फॉर्मूला MRP, सॉरी इक्वल MRP,
रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि जो हमने यहाँ पे लगा ला है ना, क्या बोलते हैं, एमआरपी, तो एमआरपी कनेक्टेड है किससे? एससी से। एससी कनेक्टेड किससे है? डीसी से। डीसी कनेक्टेड कितना है? एमसी से। और एमसी पे है G7। अब देखिए प्रॉब्लम आ गई, वो यहाँ G7 इसको पकड़ रहा है, पकड़ रहा है ना सर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोले सर? C7 आ रहा हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी आप इसका यूज करें तो जहाँ कर्सर, जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहीं पे सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमें अब लिखना है कि B2 का 5%। अब कैलकुलेशन सिंपली हो जाएगी, देखिए टिक कीजिए। रिजल्ट आ गया सर 95। 95 आया हमारा बी टू G7 ले का, लिया क्या अपना, B7 लेना था, B2 लिया है अपना। ओके। हाँ, B7 लेना था, 60 के अकॉर्डिंग चला गया ना, बात सही कहा। लैम्डा फॉर्मूला इसी चीज को सही करता है। ठीक है सर, देखिए कितना। अब मुझे एमआरपी निकालने के लिए जस्ट एमआरपी लिखना। तो इस तरह की नेम मैनेजर में अपनी कैलकुलेशन रख सकते हैं। अब कैलकुलेशन की बात आती है तो चलिए एक और कैलकुलेशन हम समझाते हैं आपको। आपको याद होगा हमने इफ फॉर्मूला में हमने आपको कुछ सेल्स अमाउंट दिए थे, उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने अपना बहुत लंबा सा फॉर्मूला लिखा था कि भाई 0 to 40 हो तो 500, 41 to 80 हो तो 1000, 81 to 100 हो तो 2000, ग्रेटर देन 100 हो तो यहाँ पे हमने बोल दिया था कि 5000। इसके लिए हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लिखेंगे, इफ या इफ्स भी लगा सकते हैं कि इफ्स अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे आ जाए हमारा 500। फिर वापस इफ्स लगा दिया तो बार बार इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना एक्सेल है तो बार बार इफ लगाना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000। फिर इसको सिलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू 100 है तो 2000। और इसको सिलेक्ट किया कि ग्रेटर देन 100 है तो 5000। एंटर प्रेस किया। अब इतनी लंबी फॉर्मूला, अब इसका कैलकुलेशन छोटा है, हो सकता है कि बड़ा हो। अब इतनी लंबी फॉर्मूला हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता, तो हम इसको कॉपी करते हैं। और इस फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद हम डिफाइन नेम में जाके मान लीजिए INC का फॉर्मूला लगाया और ये सारा फॉर्मूला हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लगाने के लिए जस्ट INC का फॉर्मूला अप्लाई करना है, रिजल्ट हमारे सामने। लेकिन वही है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है अगले कॉलम में ही लगाएंगे और आपका स्विच C2 पे ही वर्क करेगा, किसी और सीट पे वर्क नहीं करेगा। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है वही फॉर्मूला हम लैम्डा के अंदर लगाएंगे। लैम्डा हमने बोल दिया कि S क्या हो गया, सेल्स इज S। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं एप्स का, कि एप्स अब जो है हमेशा S लेंगे। हमने A4 को S मान लिया कि S इज लेस देन इक्वल टू 40 तो यहाँ पे आना चाहिए 500, कॉमा एस इज लेस देन इक्वल टू 80 तो आना चाहिए 1000। फिर यहाँ पे कॉमा एस इज लेस देन इक्वल टू 100 तो आना चाहिए 2000।
और फिर यहाँ पे s इज ग्रेटर देन 100 तो आना चाहिए 5000। और हमने लैम्डा क्लोज किया, अगर लैम्डा के रिजल्ट यहीं पे चाहते हैं तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अपनी वैल्यू को सेलेक्ट कर लें। कैलसी का रिजल्ट आया, इसमें इसको सेलेक्ट करना होगा आप यहाँ पे A4 A4, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ ब्रैकेट में देना होगा, ब्रैकेट में A4 आ गया सर। लेकिन मुझे इसको नेम मैनेजर में डालना है, तो इसको उठाइए और उठाने के बाद लैम्डा फॉर्मूला कॉपी कीजिए, डिफाइन नेम में जाइए, यहाँ पे INCL के नाम से हमने फॉर्मूला बनाया, लैम्डा फॉर्मूला को इसके अंदर में डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे जैसे ही INCL यूज करूंगा तो S मांगेगा, हमने यहाँ पे S दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चले। तो नेम मैनेजर यूज करके लैम्डा फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है सर। ठीक विदाउट इसमें तो नेम मैनेजर से इसी तरह से हम फॉर्मूला को सिंपलाइज करते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहा, प्रैक्टिस कीजिए, कल अब इसे आएगी जीरो पे डिस्कस करेंगे।